मैं हूं जीतू और इस समय मैं कहां हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप पीछे देख के समझ गए होंगे। इस समय मैं हूं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माता वैष्णो देवी में, और भी आप पीछे देख रहे हैं यह भवन। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरी वैष्णो देवी की यात्रा करवाने वाला हूं, और साथ साथ बताऊंगा कि नवरात्र के टाइम में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की पूरी सजावट है, रहने की क्या व्यवस्था है, इतनी भीड़ में कहां पे आप रह पाएंगे फ्री में, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज मेरे साथ करिए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। भी आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ सजावट करी गई है और लिखा है वेलकम टू नवरात्रा फेस्टिवल। और जब आप इस कटरा चौराहे पे आएंगे तो जस्ट आपको सामने दिख जाएगा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आपको आई कार्ड आपको मिल जाता है, फिर आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। विदाउट इसके आप यात्रा नहीं कर सकते, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सुबह 5 बजे से खुल जाता है, शाम को 10 बजे तक खुला रहता है। हम भी करवा लेते हैं अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन और फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं भाई यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं रहती, जब भी आप आएंगे आपको खाली मिलेगा, यहाँ पे आपका आराम से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह। देखिए सो गाइस मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया है, ये देख सकते हैं, और जस्ट मुझे भाई 20 सेकंड लगा, कोई था ही नहीं, खाली पड़ा था काउंटर। और मैं वही बात करूँ इस कार्ड को बनवाने के लिए सिर्फ आपका आपका नाम पूछ जाएगा और पिन कोड और स्टेट, बस आपको सिंपल बन जाएगा, और मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का टाइम लगता है भाई। जब भी आप आएंगे तो जस्ट बस स्टैंड के अंदर आएंगे तो जस्ट आपको सामने दिख जाएगा निहारिका कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपको डोमेट्रिक और रूम दोनों मिल जाते हैं। और बात करो डोमेट्रिक की तो 150 रुपये मात्र आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप यहीं पे आइएगा भाई, और साथ साथ आप यहाँ पे आके खा पी सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे भोजनालय की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं देख रहे हैं ये श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से है अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ पे आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में भोजन मिल जाता है। बेसिकली जो हमारे दिल्ली में छोले भटूरे उसी कैटेगरी का होता है। तो आज अपने मॉर्निंग शॉट हम इसी से कर रहे हैं, तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं। और इसका जो बात करूँ प्राइस की तो 38 रुपीज़ का प्राइस था, बाकी छोले भी देख सकते हैं, छोले भी काफ़ी बढ़िया है। तो अब इसको फिनिश कर लेते हैं और अपना फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलती, ओनली फॉर पोस्टपेड यानी जो बिल वाली सिम होती है वही चलती है, अदरवाइज सबके नेट चले जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके यहाँ की लोकल सिम भी परचेज कर सकते हैं। बाकी इस मार्ग पर आपको बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और खाने पीने की शॉप है, और बहुत बड़ा ये मार्केट है और बड़े घनी मार्केट है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। और कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक का जो डिस्टेंस है 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब है, तो जिस आप चाहें तो ऑटो से कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल ऑटो करते हैं तो 250 से 300 रुपये चार्ज करेंगे, बाकी अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो वही आपसे 50 से 40 रुपये चार्ज करते हैं। तो 200 रुपये आपको इस तरह से डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो डायरेक्शन बाणगंगा रोड जो कि जस्ट इस साइड है। और इस पॉइंट से आपको पूरा माता वैष्णो देवी का जो माउंटेन है पूरा दिखता है, देखिए। और इस तरह से आपको लाइन से दुकान दिख जाएगी, जहाँ पे आपको इस तरह से डंडे मिल जाएंगे, और डंडे आप ले सकते हैं 10-10 रुपये में मिलते हैं, और इसको लेने के बाद आपको ट्रैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और ये जाली है भाई, भक्तों ने पूरे जालियों पर इस तरह से माता की चुन्नियाँ बांध रखी हैं, देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए सामने है चेक पॉइंट, और जहाँ से आपका चेकिंग करा के फिर आपकी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। और देख सकते हैं मंदिर को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है भाई, कितना मस्त लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये फूलों से कितने अच्छी तरह सजावट करी गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, देखिए जहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है। बाकी आप देख रहे हैं इस तरह से लाइन लगी हुई है भाई, लेडीज के अलावा जेंट्स के अलावा। भाई फाइनली मैंने अपने सिक्योरिटी पॉइंट चेकिंग करवा लिया है, अब हम बढ़ चुके हैं यात्रा करने पे, और अभी मैं आपको घड़ी में टाइम बता देता हूँ, अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 11:30, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है मुझे भवन तक पहुँचने में। और भवन से पहले आपको पड़ेगा अर्धकुमारी, तो इस यात्रा को मैं 2 पार्टों में बांटने वाला हूँ, तो पहले अभी देखते हैं यहाँ से मेरे को अर्धकुमारी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। इस समय आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़ भाई, कितनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब।
यहाँ पे आपको लंगर चखने को मिल जाता है जो कि टी सीरीज द्वारा श्री गुरुसुम कुमार जी के द्वारा लगाया जाता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे आके लंगर भी चख सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो सामने जा रहा है ये पुराना वाला है, और जो न्यू रास्ता बना है ये ताराकोटा मार्ग वाला जो कि जस्ट बगल में ही है, और आप इस रास्ते को भी ले सकते हैं। अगर आप न्यू रास्ता सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर करीब एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। न्यू रास्ते में आपका चरण पादुका मंदिर नहीं पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे घोड़े, पालकी और खच्चर के प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं जो कि श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से फिक्स करे गए हैं। और ये पालकी पिट्ठू और खच्चर बुक करने के लिए प्रीपेड काउंटर जहाँ पे आप पे करके इसको बुक कर सकते हैं। हम आ गए हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ जो कि है बाणगंगा भाई, और फिलहाल तो इस समय पूरा पानी सूखा पड़ा है भाई, ये देखिए। चलिए अपनी यात्रा कंटिन्यू दोबारा करते हैं। और बाणगंगा वही पॉइंट है जहाँ पे बच्चों के मुंडन भी होते हैं, और बाणगंगा से 50 मीटर आने पे आपको इस तरह सीढ़ी मिल जाएंगी, और बात करो सीढ़ियों की संख्या की 425 है भाई। तो मेरी तो रिकमेंडेड रहेगी जब भी आप ट्रैकिंग करें तो सिर्फ नॉर्मल रास्ते से करें, सीढ़ी से ना करें, क्योंकि भाई थकावट बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है और सीढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अपनी यात्रा करते हैं एज अ नॉर्मल मार्ग से। बाकी यहाँ पे इस तरह से आप सिम भी ले सकते हैं जो कि 5 मिनट चालू हो जाएगी। बात करूँ यहाँ पे प्लान की तो प्लान जो आपको मिलने वाला है वो तो प्लान देख रहे हैं अभी आप, 300 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिल जाएगा पर डे के हिसाब से, और 350 में 1.5 GB 28 दिन का प्लान होने वाला है, और 5G अगर फोन है तो आपका अनलिमिटेड चलेगा ये। और यहाँ पे इस तरह से एक और पार्किंग एरिया बना हुआ है जो कि बाणगंगा से आगे है, आपको दिखाता हूँ कितना किस तरह से पूरा ये बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा ये बना हुआ है, वो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। और भाई देख सकते हैं इस साइड पानी है और नहाने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आराम से आप नहा पाएंगे, और बाणगंगा में थोड़ा सा मुश्किल होता नहाना, यहाँ पे नहाने का व्यवस्था अच्छा है, देखिए। और थोड़ा दूर चलने के बाद हमें दी जाता है श्री गीता भवन। इस रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप दिख जाएंगे जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, और नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, और जगह जगह इस तरह से शेड लगी हुई है तो अगर बारिश वगैरह होती है तो आराम से बच सकते हैं। और बाकी थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से शौचालय की फैसिलिटीज़ भी हैं 100-200 मीटर की दूरी पर। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है चरणू पादुका, और कहा जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी ने यहीं खड़े होकर पीछे मुड़ के देखा था, और यहाँ पे उनके पैर के चिन्ह के दर्शन करते हैं आप, और इसको प्रथम दर्शन माना जाता है। पहले दर्शन आपके यहाँ पे होते हैं, दूसरे दर्शन आपके अर्धकुमारी में होते हैं, और तीसरे दर्शन होते हैं आपके भवन में जहाँ पे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, और इस तरह से आप फुल बॉडी मसाज करा सकते हैं मात्र 30 रुपये में। मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको यहाँ से पूरा कटरा का नज़ारा दिख रहा होगा, और कितना खूबसूरत भी इस पॉइंट है, तो यहाँ पे आके फोटो क्लिक कर सकते हैं। बाकी इससे भी खूबसूरत खूबसूरत भी इस पॉइंट आएंगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको इस तरह से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगेगी, और काफी सारे भक्त इस ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए आपको दिख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से विश्राम एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से वेट कर आराम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इस तरह से 100 मीटर दूरी पर ही आपको पानी की फैसिलिटी मिल जाती है, और इसे माता वैष्णो देवी की तरफ से है,
तो पानी की दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको एडवाइस देता हूँ, इस तरह की बोतल रखिए और थोड़ा सा पानी भरिए पीने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बैग का वजन बढ़ा देती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना पानी भर लिया मैंने, उसको पीने के बाद फिर आगे कंटिन्यू चलूंगा और जहाँ पे लगे फिर पानी भरूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस पॉइंट से अर्थकुमारी का जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर करीब रह गया है, और बात करूं नीचे से भवन तक का जो किलोमीटर है वो है 15 किलोमीटर। तो इस यात्रा को आप आराम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, और इस तरह से देख सकते मेरे पीछे कितने खूबसूरत से नज़ारे हैं, और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेके अपनी यात्रा को करें, अलग ही मज़ा आएगा और आपको थकावट भी कम होगी और आप इस दुर्लभ नज़ारे का आनंद भी ले पाएंगे। और आपकी यात्रा कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसा कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर रुक जाता हूँ, थोड़ा व्यूज पॉइंट लेता हूँ, फोटोज क्लिक करता हूँ, वीडियोज क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से अगर आप यात्रा करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा कटरा का भाई लुक दिख जाएगा देती है, और उधर साइड है रेलवे स्टेशन, जो ब्लू ब्लू शेड दिख रही है ना वो है रेलवे स्टेशन। कुछ इस तरह पूरा नज़ारा है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ लोग चल रहे हैं जो कि इस यात्रा को नंगे पैर कर रहे हैं भाई। मैंने लिए हैं खीरे और ये 20 के 5 ऐसे पाक दिए हैं। तो जब भी आप ये यात्रा करेंगे तो शरीर आपका डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी, नींबू पानी और इस तरह खीरे फ्रूट्स लेते रहिए, शरीर डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं इस सब चीज़ खा के। बाकी फ्रूट्स के भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है स्पेशल सूचना, इन सीढ़ियों की संख्या 115 है और हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि इस सीढ़ी का प्रयोग ना करें। मैंने केदारनाथ की यात्रा 2 बार कर चुका हूँ, हिमकुंड साहिब की 1 बार यात्रा कर चुका हूँ, और वैष्णो देवी की तो कम से कम 5 से 6 बार कर चुका हूँ, ठीक है। और इन तीनों यात्राओं में मुझे ऑलवेज ऐसे लोग जरूर मिले हैं जो बैठे रहते हैं और बोलते हैं भाई कि उनका पर्स चोरी हो गया है, उनका सामान खो गया है, और पैसे देकर हेल्प करते हैं। और मेरे को ये तीनों यात्राओं में इस तरह के लोग मिले हैं, तो इस तरह के लोगों से बच के रहना भाई। और अर्धकुमारी से थोड़ी दूर पहले इस तरह से एक स्थान है जिस पे इस तरह से आपको व्यूज और पॉइंट देखने को मिलने वाला है, देखिए। और भाई यहाँ से पूरा कटरा क्या पूरा आपको एंड तक बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा भाई, देखो बिल्कुल साफ साफ भाई, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट व्यूज पॉइंट है। तो इस जगह पर आके फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आएगी भाई। और जब उस साइड से आप इस पॉइंट पाएंगे तो 2 रास्ते आपको दिख जाएंगे, एक सामने वाला रास्ता, एक इस साइड रास्ता। तो आप देख सकते हैं भवन वाय हिमकुंड मार्ग 5.5 किलोमीटर है, भवन वाय हाथीमुत्ता मार्ग 6.5 किलोमीटर है। तो इस तरह से, ठीक है। बाकी अभी हमें तो इस साइड जाना है वे टू अर्धकुमारी, जो कि जस्ट सामने ही है। वो देख रहे हैं सामने है अर्धकुमारी मंदिर, और यहाँ से कितना खूबसूरत व्यूज पॉइंट है। और अभी आप ये देख रहे हैं इसको हाथीमुत्था बोलते हैं, और सामने है अर्धकुमारी, और ये देखिए ये शेप है हाथीमुत्ते की वाली। और सामने है अर्धकुमारी, उसके जस्ट पहले आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग हॉल है, आप यहाँ पे आराम से विश्राम भी कर सकते हैं। और जो ये वे है, इस वे पे आपको सामने दिख रहे हैं डिस्पेंसरी भी मिल जाती है, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू होता है तो आप यहाँ पे आके दवाई अपनी ले सकते हैं। पॉइंट पे आपको ATM की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है भाई। और अभी आप मेरे साइड पीछे देख रहे होंगे, आपको जाने माने ब्रांड दिख रहे होंगे खाने के, जैसे कि आप देख सकते हैं सागर रत्न है, और आगे आपको मिल जाएगा मैकडोनल्ड, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। और मोस्टली लोग इस टाइम पे पहुँचते हैं कि लंच का टाइम होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप देखने को मिलने वाली है। चलिए गाइस, मैं भी अब लंच कर लेता हूँ, क्योंकि घड़ी में बज रहे हैं अभी 3:30, तो भूख काफ़ी लग गई, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 9 बजे
ब्रेकफास्ट करा था। और आपको यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पे आप खा सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होता है। मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। बाकी अभी आप देख रहे हैं ये प्राइस लिस्ट है भाई, जैसे कि आप पूरी चना जो मैंने दिन में खाया था 40 रुपये का है, दाल चावल 40 रुपये का, राजमा चावल 45 रुपये का, कढ़ी चावल 50 रुपये का, इसी तरह से रिजनेबल प्राइस है। और बाकुल चाय की चाय सिर्फ मात्र 8 रुपये में, तो भाई बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है यहाँ पे खाना। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर। सो गाइस मैं लूंगा राजमा चावल क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो वो पड़ा है मुझे 45 रुपये का। चलिए अंदर चलते हैं और लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है इसका। अंदर एंट्री करेंगे तो किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट है भाई देख लीजिए, और सामने देख सकते हैं एंट्री करते हैं आपको यहाँ पे हाथ धोने की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। राजमा चावल हमारा आ गया अभी राजमा चावल, देखने में तो काफी ज्यादा टेस्ट लग रहा है। चलिए चलते हैं और उसको ट्राई करते हैं। सो गाइस अभी हमने राजमा चावल ले लिया है और आप देख सकते हैं क्वांटिटी एक बंदे के इनफ होता है, बाकी देखने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लेट्स सी खाने में कैसा होता है, इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं स्वाद कैसा होगा इसका। स्वाद एक नंबर का है, नॉर्मल स्वाद ले हुए हैं, स्पाइसी नहीं, बढ़िया स्वाद है और चावल काफ़ी अच्छे यूज कर गए हैं। तो चलिए गाइस अपना चावल फिनिश कर लेते हैं फिर अपनी यात्रा करते हैं कंटिन्यू। बाकी भाई स्वाद तो एक नंबर का रहा चावल का। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बीकानेर वाला और मैकडोनल्ड्स जो कि जस्ट सामने ही है, और यहाँ पे भी आपको देख लीजिए नो ऑनियन नो गार्लिक वाला बर्गर मिलेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरह फूल सजाया गया है और सजाया जा रहा है, अभी आधा ही सजाया मंदिर है, और जब पूरा सज जाएगा तो कितना मस्त लगेगा। और देखिए उस साइड कितना मस्त लग रहा है देखने में। और अभी आप क्राउड देख लीजिए भाई, इस कितना ज़्यादा क्राउड है और देखिए कितना अच्छा लगा देखने में। बाकी अभी आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज एंट्री होती है, तो अभी 430 नंबर का ग्रुप चल रहा है और यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने भवन है, तो इसकी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बाकी ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल है मिलना, ऑनलाइन ही मिलेंगे इसमें आपको रूम और डोमेट्रिक रूम। और इस साइड देख रहे हैं, इस साइड आपको फ्री रूम मिल जाएंगे, कोई आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड आपको मिलेंगे रूम और डोमेट्रिक जिसको आप इसका पहले से बुकिंग करना पड़ेगा जो पेड होते हैं। और जस्ट आप सामने देख रहे हैं इस साइड आपको कंबल मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। आप देख रहे हैं ये ब्लैंकेट मिलने का टाइम है, रात को 8 बजे के बाद मिलना शुरू होता है। और वहीं बात करूँगा आपको ब्लैंकेट के लिए, पर ब्लैंकेट आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे सिक्योरिटी अमाउंट, और जब आपको सुबह आप इसको रिटर्न करेंगे तो आपको 100 रुपये वापस हो जाएंगे। और मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो जस्ट सामने आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ पे अपना आपको बैग मोबाइल और सब कुछ जमा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी यहीं से आपकी गर्भगृह की पर्ची भी कट जाती है, और गर्भगृह मतलब कि इसके अंदर जाने की पर्ची जो मैंने आपको नंबर बताया ना ग्रुप 430 चलता है, तो वो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप चलते हैं और उसकी पर्ची यहाँ से कट जाती है। बाकी अब वहाँ बाहर ही लिख दिया इन्होंने कि 8 आवर्स बाद ही हमारा नंबर आएगा, और अभी देख सकते हैं इन्होंने 655 ग्रुप नंबर दिया है और जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 430। तो भाई 48 आवर्स में भी मुश्किल है नंबर आना, क्योंकि एक ग्रुप में कम से कम 50 से 60 लोग या 100 लोग करीब जाते हैं। कटरा से अर्थवाड़ी तक का मुझे आने में 2 घंटे लगाए, तो इस यात्रा को आप 2.5 से 2 घंटे में इजीली कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।